അതിർത്തി സംഘർഷം പരിഹരിക്കാൻ നയതന്ത്ര തലത്തിലും സൈനിക തലത്തിലും ചൈനയുമായി ചർച്ച നടന്നെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വിശാലമായ സമവായത്തിലെത്തി പുതിയ കരാർ പ്രകാരം ഡബ്സാങ് ഡബ്ചോങ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പട്രോളിംഗ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു से बॉर्डर पर हुए हाल की कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में भी बात करना चाहूंगा। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि यलेशी पर कुछ क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही लेवल्स पर बातचीत हो रही थी। अभी हाल की बातचीत के बाद ग्राउंड सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए आपस में ब्रॉड कंसेंसस हुई है। यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरियाज में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी। साथियों, जब मेरा आप सबके बीच आने का प्लान बन रहा था तो मेरे मन में यहां आने को लेकर एक उत्साह था।